वन पीस का 1102 एपिसोड हमारे सामने आ चुका है। पिछले दो एपिसोड्स के अंदर हम लोगों को बहुत कुछ दिखाया गया था। पिछले दो एपिसोड्स के अंदर हम लोगों को लूफी वर्सेस रॉबी का जो फाइट दिखाया गया था, जो एनिमेशन दिखाया गया था, वो सब कुछ लाजवाब था। और हम लोगों को बहुत सारे ऐसी चीजें दिखाए गए थे, जो सेट पीसेस दिखाए गए थे, जो एक्शन सीन्स दिखाए गए थे, जो हम लोगों को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया था। लेकिन ये 1102 जो एपिसोड था, इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को उतना कुछ फाइट नहीं दिखाया गया। आई मीन फाइट ही नहीं दिखाया गया बेसिकली। इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को लूफी सिर्फ एक टाइम के लिए दिखा, वो भी बॉनी के पीछे दौड़ते हुए। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को बहुत कुछ पता चला है कि बाहर वर्ल्ड में क्या हो रहा है और एगहेड आइलैंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और लिटरली जो जो चीज़ें एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं है। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे CP0 क्यों आया। CP0 यहाँ पे इसलिए आया है कि ताकि वो वेगा पंक को यहाँ से ख़त्म कर सके। मतलब वेगा पंक को वर्ल्ड गवर्नमेंट से अब कोई उम्मीदें नहीं है, वो वेगा पंक को यहाँ पे सिर्फ ख़त्म करने आए हैं। लेकिन वेगा पंक का प्लान यहाँ पे क्या है, वेगा पंक का प्लान यहाँ पे ये है कि वो स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ यहाँ से कैसे भाग सके। और लूफी ने उसको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तुमको यहाँ से एस्केप करने में हेल्प करूँगा। और लूफी, और आप लोगों को पता है कि लूफी कैसा है, लूफी अगर कोई वादा कर देता है तो वो पूरा करता है। और वेगा पंक उसी के तैयारी है, मतलब वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता है वहाँ पे, वो उसी के तैयारी में है कि वो कैसे वहाँ से भाग सके। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वेगा पंक स्ट्रॉ हैट क्रू को ज्वाइन कर सके। तो सोचो गाइस, अगर वेगा पंक स्ट्रॉ हैट क्रू को ज्वाइन करेगा तो लिटरली द वर्ल्ड्स मोस्ट जीनियस मैन इन द स्ट्रॉ हैट क्रू देखने लायक होगा। लिटरली बहुत ही मजा आएगा अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन हमारे जो नामी है वो नहीं चाहते, क्योंकि उसको आप लोगों को पता है कि नामी बहुत ज़्यादा डरती है CP0 उनके पीछे आएंगे। मतलब यहाँ पे डरने वाली क्या बात है मेरे को पता नहीं, कि वो लोग एक योंको क्रू है, उनके पास कौन कौन है, उनके पास है जिनबे, उनके पास है सांजी, उनके पास है जोरो, उनके पास है लूफी। डरने की क्या बात है यार, वो आए कि ना आए लूफी सबको पछाड़ देगा अपने गियर 5 से, ये तो श्योर है। इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को CP0 भी दिखाया गया कि वो लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं सेराफिन्स को अपने अंदर लेने के लिए, और उन्होंने ऑलरेडी ले ही लिया। मतलब सेराफिन्स अभी उनके कंट्रोल में है और CP0 ऊपर जा रहे हैं वेगा पंक को मारने के लिए। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को बार्थोलोमियो कुमा को भी दिखाया गया कि वो एगहेड की तरह बढ़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एगहेड पे डायरेक्ट जाएगा, लेकिन वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक बड़ा सा गेट है वहाँ पे जाकर टकरा जाता है। अब हम लोगों को पता नहीं कि वो वहाँ पे जाकर क्यों टकरा है, अभी हम लोगों को सामने आने से वो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बॉनी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो वेगा पंक को मारना चाहती है। आप लोगों को पता है उसका प्राइम मोटिव यह है कि वो वेगा पंक को मार सके, क्योंकि उसको लगता है कि वेगा पंक की वजह से उनके जो पापा है, मतलब जो बार्थोलोमियो कुमा है, उनका ये हालत है, उनको ये लगता है, मतलब बॉनी को ये लगता है। लेकिन एंडिंग आते आते हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो फोर्स जो एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है, और वो कोई और नहीं, वो है एडमिरल किजारू। और आप लोगों को पता है कि किजारू कितना ज्यादा पावरफुल है, और वो भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब एगहेड आइलैंड में आ रहा है वेगा पंक को मारने के लिए। तो सोचो, यहाँ पे है लूफी, यहाँ पे है जोरो, यहाँ पे है सांजी, यहाँ पे CP0 भी है, यहाँ पे सब कुछ है, और यहाँ पे आ रहा है किजारू। तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा लूफी वर्सेस किजारू का फाइट, जो लॉन्ग अवेटेड फाइट है। लेकिन इस एपिसोड का सबसे मेन पार्ट, सबसे एक्साइटिंग पार्ट था एंडिंग में, जब CP0 के 3 मेंबर ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके उन लोगों को देखने को मिलता है 1000 Sunny, जो है स्ट्रॉ हैट क्रू का शिप। तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे मेंबर्स अभी एगहेड आइलैंड के अंदर है, लेकिन जो दो बंदे शिप में हैं उन लोगों के बारे में किसी को नहीं पता। और CP0 बहुत ही चौड़ में आके अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके ऐसे बोलता है कि लेट्स डिस्ट्रॉय द 1000 Sunny, मतलब स्ट्रॉ हैट क्रू का जो शिप है। ऐसे ही बोलने से कोई तुम काम कर सकते हो क्या? उस शिप के अंदर कौन है वो देखो तो पहले। उस शिप के अंदर तुम्हारा बाप है, बाप वो बैठा हुआ यहां पे, वो है रोरोनोवा जोरो, वो तुम्हारी साथ पुश्ते मार देगा। लिटरली रोरोनोवा जोरो वहां पे ये बोलेगा कि होल्ड माय बियर लूची, होल्ड माय बियर, आई विल कट यू अप। लिटरली मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता। जब लूची स्ट्रॉ हैट के शिप को डिस्ट्रॉय करने जाएगा और जोरो वहां पे आएगा और बोलेगा कम ऑन आई एम हेयर कम ऑन, लिटरली उस दिन के मैं वेट नहीं कर सकता। वही लास्ट पार्ट जो था जहाँ पे लूची अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है, वही सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट था। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो अपने आप को ऐसा मानता है और उसको पता ही नहीं है कि स्ट्रॉ हैट क्रू के शिप के अंदर कौन उसका वेट कर रहा है लिटरली।
दोस्तों मैं आप लोगों को और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग लगता है कि ये वाला जो एपिसोड था वन पीस का वो थोड़ा नर्फ हो गया, वो थोड़ा स्लो हो गया, तो आप लोग थोड़ा वेट कर दीजिए क्योंकि इसके आगे आने वाले एपिसोड भी शायद थोड़े आप लोगों को स्लो फील हो, लेकिन इसके बाद जो एपिसोड आएगा मतलब 1103 एपिसोड के अंदर हम लोगों को फाइनली नेवी के हीरो को दिखाया जाएगा। आप लोगों को पता है कि नेवी का हीरो कौन है, उसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा फाइट आप लोगों के लिए वेट कर रहा है जो आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं वन पीस के सारे एपिसोड का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूंगा। दोस्तों ये था आज का रिव्यू, आशा करता हूँ कि आप लोगों का रिव्यू ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे एनिमे कंटेंट ला सकूं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।